ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्तरीय होली मेला सुजानपुर में चारों सांस्कृतिक संध्याओं में प्रस्तुतियों के लिए कलाकारों की स्क्रीनिंग हमीरपुर के बचत भवन में की गई। इस अवसर पर डीपीआरओ हेमंत कुमार भी मौजूद रहे। कलाकारों ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और कलाकारों ने गायकी नृत्य के अलावा अलग अलग प्रतिभाओं को मंच पर प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय स्तरीय होली मेला सुजानपुर में चारों सांस्कृतिक संध्याओं में प्रस्तुतियों के लिए कलाकारों की स्क्रीनिंग हमीरपुर के बचत भवन में की गई। इस अवसर पर डीपीआरओ हेमंत कुमार भी मौजूद रहे। कलाकारों ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और कलाकारों ने गायकी नृत्य के अलावा अलग अलग प्रतिभाओं को मंच पर प्रस्तुत किया। डीपीआरओ हेमंत कुमार ने बताया कि चारों सांस्कृतिक संध्याओं के लिए बचत भवन में ऑडिशन लिए गए हैं और इसमें युवा और स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि 150 के करीब कलाकारों ने स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया है, जिसमें से बढ़िया अनुभवी कलाकारों का चयन किया जाएगा। राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव इस बार 7 मार्च तक सुजानपुर 13 में आयोजित किया जा रहा है। मेला आयोजन समिति और जिला प्रशासन का ये प्रयास रहता है कि जो हमारे ये मेले इस दौरान हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करें और जो हमारे उभरते हुए कलाकार हैं उनके लिए प्रयास करें। तो इसी कड़ी में माननीय महोदय जो कि मेला आयोजन समिति के दिशा निर्देशन अनुसार जो हमारे हमीरपुर जिला के स्थानीय कलाकार हैं उनके लिए एक दिवसीय मिशन भी यहाँ पे रखा गया है। इसके लिए हमने एप्लीकेशन पूरे जिला से 250 के करीब यहाँ पार्टिसिपेंट्स पहुँचे हैं। इसके लिए एक निर्णायक मंडल का भी गठन किया गया है, जिसमें जिला हमारा ये प्रयास है कि जो यहाँ पे जैसे जो स्तरीय कलाकार आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तरीय होली मेला सुजानपुर में 7 से 10 मार्च तक सुजानपुर में आयोजित किया जा रहा है और मेलों के लिए तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली हैं।